आज हम आपको उस जमाने की सैर करवाएंगे जब भारतीय सिनेमा इतना फैला हुआ नहीं था। ये तब की बात है जब फिल्म इंडस्ट्री में ना कपूर थे, ना खन्ना थे और ना ही खान कुमार थे। जी हाँ, बात हो रही है समर्थ परिवार की जननी रतनबाई शिलोत्री की, जो मशहूर भजन गायिका और अभिनेत्री थी। रतनबाई शिलोत्री का जन्म 15 जुलाई 1890 में एक बड़े खानदान में हुआ। वो गजब की खूबसूरत थी और उनके बाल घुटने तक लंबे थे। उनकी कहानी सुनाने से पहले मैं बता दूं कि फिल्म जगत में रतनबाई के नाम पर दो अदाकाराएं रही हैं और इन दोनों ने 30 और 40 के दशक में काम किया। एक रतनबाई थी जिनकी फिल्म यहूदी की लड़की बेशुमार मशहूर है, जिसमें केएल सहगल नजर आए थे। इस वाली रतनबाई ने बेहद सारे फिल्में किए थे, पर आज हम उस रतनबाई की बात करने वाले हैं जिन्होंने सिर्फ एक फिल्म में काम किया, पर उनके योगदान की छाप आज 90 साल बाद भी ताज़ा है। वो इसलिए महान नहीं है क्योंकि वो फिल्मों से जुड़ी थी, वो महान इसलिए हैं क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी शोभना को पुरुषवादी विचारधारा वाले समाज से निकालकर उदारवादी समाज में लाया। वो महान इसलिए भी हैं जब उनके पति पूरी तरह बर्बाद हो गए थे और उन्हें मुंबई छोड़कर दूसरे शहर में बसना पड़ा, तब वो फिल्मों से गायिका के तौर पर जुड़ गई और खुद अभिनय करने से पहले अपनी बेटी शोभना को सिल्वर स्क्रीन पर लीड हीरोइन के रूप में मशहूर किया। शोभना ने सन 1935 में ऑफन्स ऑफ सोसाइटी फिल्म से पर्दापण किया था, पर रतनबाई पहली बार पर्दे पर नजर आई 1939 में। मराठी फिल्म स्वराज्यच्या सीमेवर में रतनबाई ने छत्रपति शिवाजी महाराज के माता का किरदार निभाया था, पर माना जाता है रतनबाई उस वक्त अपने आवाज़ के लिए मशहूर थी और वो खुद फिल्मों के लिए गाना और भजन भी लिखती थी। 1935 की भारत की बेटी का भजन तेरे पूजन को भगवान बना मन मंदिर आलिशान आज भी मशहूर है। रतनबाई का शुरुआती जीवन शानदार रहा। उनके पति प्रभाकर शिलोत्री ने न्यूयॉर्क के कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से पीएचडी की शिक्षा ली और भारत आए। वो चंद लोगों में से थे जिनके पास कार थी। यही नहीं, उन्होंने शिलोत्री बैंक ऑफ बॉम्बे की स्थापना की, जिनके ब्रांच 6 शहरों में थे। उन्हें अंग्रेजों से बहुत चिढ़ थी, पर दुर्भाग्यवश उनका और रतनबाई का संसार टूट गया। इसकी मुख्य वजह अंग्रेज ही थे। एक दिन प्रभाकर जी ने बैंक की सुरक्षा के लिए अंग्रेजी हुकूमत से आर्म लाइसेंस की मांग की, पर अंग्रेज अफसरों ने उनकी अर्जी ठुकरा दी क्योंकि प्रभाकर जी अंग्रेजों की चापलूसी नहीं करते थे। गुस्से में आकर उन्होंने उस अंग्रेज अफसर को खुले आम तमाचा जड़ दिया। दुर्भाग्यवश उन्हें 2 साल की जेल हुई और उनका पूरा कारोबार डूब गया। जब वे जेल से छूट कर आए तब कुछ ही दिनों में उनका देहांत हो गया, इसीलिए रतनबाई को मुंबई छोड़ दूसरे शहर में बसना पड़ा। वो समय था 1930, जब टॉकीज फिल्मों की शुरुआत होनी थी और मुखपट फिल्मों का सूरज डूबने वाला था। ऐसे में रोजगार के कई नए मार्ग खुलने वाले थे। रतनबाई को गायन कला अवगत होने के चलते इस स्वर्ण अवसर का पूरा फायदा उन्होंने उठाया। वो खुद गीत लिखती और उन्हें गा भी लेती। इसके साथ ही उनकी बेटी ने बतौर मुख्य अभिनेत्री फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया, पर आगे चलकर माँ बेटी के इस जोड़ी ने भारतीय सिनेमा युग में एक नया संकल्प प्रस्तावित किया। तो मैं थी आरजे अनामिका, मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल बायोग्राफी एंड रियल लाइफ स्टोरीज़ को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।